नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। जाहिर है मैं आपको बताएंगे आपके आसपास, आपके राज्य, आपके राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे और भी कुछ रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। शुरुआत करेंगे अंतरराष्ट्रीय खबरों से। यूक्रेन पर 3.5 महीने से रूस के हमले जारी हैं। रूसी सैनिक यूक्रेन के लगभग सभी शहरों पर नए सिरे से अटैक कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सहयोगी संगठन नाटो ने दावा किया है कि ये युद्ध कई साल चल सकता है। यूक्रेन जल्द ही डोनबास को रूसी कब्जे से मुक्त करा लेगा। वहीं रूस ने दावा किया है कि पूर्वी इलाके में विशेष सैन्य अभियान योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, जल्द ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगली खबर की ओर बढ़े तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन को फ्रांस के संसदीय चुनाव में बड़ा झटका लगा है। एग्जिट पोल के मुताबिक नवगठित वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों को रिकॉर्ड जीत मिलेगी, जिसके कारण नेशनल असेंबली में मैक्रॉन अपना बहुमत खोते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगली खबर की ओर बढ़े तो ताइवान में सोमवार सुबह 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान जान माल के किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो केंद्र की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच कुछ संगठनों ने आज यानी सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है। बंद की सूचना मिलने के बाद सरकार भी सतर्क हो गई है। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगली खबर की ओर बढ़े तो नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फिर से ईडी के सामने पेश होंगे। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अभी तक राहुल गांधी से करीब 30 घंटे की पूछताछ कर चुके हैं। अगली खबर की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। इसके लिए सियासी गलियारों में हलचल बढ़ चुकी है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए में उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। विपक्ष के 2 संभावित उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर अपना नाम अलग कर लिया है। रुक करें राज्य की ओर तो आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 14 पुलों का निर्माण कार्य मार्च में पूरा हो गया है, लेकिन इनकी गुणवत्ता जांच बिना ही इन पुलों पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो हिमाचल प्रदेश में नवजातों को जन्म देने के लिए गर्भधारण किए 13,335 महिलाएं कुपोषण के जोखिम में हैं। इसके अलावा 14,000 ऐसे बच्चे हैं जो जन्म के समय से कम वजन के हैं। 912 गंभीर रूप से कुपोषित और 5,169 मध्यम रूप से कुपोषित बच्चे हैं। ये खुलासा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जुटाए आंकड़ों के आधार पर हुआ है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश समेत देश के 6 उच्च न्यायालयों को रविवार को उनका मुख्य न्यायाधीश मिल गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आइए अब नजर डालते हैं आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं ने रविवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा और आने वाले समय में सभी भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। अगली खबर की ओर बढ़ें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1 महीने के अंदर प्री प्राइमरी टीचरों की भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद आपको बता दें, कुपवाड़ा और कुलगाम में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी समेत 4 आतंकी मारे गए हैं। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज औकात में नहीं पानी इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि हिमाचल का पानी शराफत से पेश नहीं आता तो इसकी हिफाजत कैसे होगी। पानी यहाँ अपनी औकात नहीं वसूल पा रहा क्योंकि ना इसके बहने का सलीका है और ना ही इस्तेमाल का कोई ढंग पैदा हुआ। आगे का लेख आप खुद अवश्य पढ़ें। इसके अलावा डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी का लेख, विदेशी निवेश का सुकून देह परिदृश्य। प्रताप सिंह पटियाल का लेख, आर्यवर्त की विरासत योग का जय घोष। और छिलकों की छाबड़ी में निर्मलसों का लेख, सरकारी बस की नीलामी छपा है। आप इन सभी लेखों को अवश्य पढ़ें। ब्रिटेन में मेडिकल साइंस को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है। यहां 2 साल के एक बच्चे में अभी से जवानी के लक्षण दिखे हैं। बच्चे में लक्षण ऐसे हैं जो 16 साल के लड़के में दिखते हैं।
इस बच्चे का वजन 12 किलो है, लेकिन इस बच्चे के वजन की वजह फैट नहीं बल्कि मांसपेशियां हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर किसी लड़के या लड़की में मैच्योरिटी के लक्षण 12 से 16 साल की उम्र में दिखते हैं, मगर उनके शरीर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बदलाव नजर आते हैं। लेकिन इस बच्चे में 2 साल की उम्र में ही ऐसे डेवलपमेंट पाए गए हैं। डॉक्टरों ने इसे एक दुर्लभ मामला माना है। जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे इस खास कार्यक्रम के साथ कल। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।